तो भैया जी जहाँ हम रुके हैं वहाँ जेएस फिल्म में रुके हैं। अच्छा हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख पुरने। जी हाँ, हम लद्दाख में सिंकुला पास के बाद हम लद्दाख में एंटर कर चुके थे। सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का बॉर्डर है। भैया जी जहाँ हम रुके हैं वहाँ जेएस फिल्म में रुके हैं, मेरा मतलब रुके थे इस जगह पे। हम रुके हैं इसी वाले घर पे। इधर आपको टेंट भी मिल जाएगा, हिमालयन नॉर्बो पुरने ऐसा कुछ नाम है। इधर हमारी बाइक लोडेड है। इस रूम में हमें अच्छा खासा सब कुछ मिल गया। पर हेड 1200 रुपए देने पड़े, कितना भी रोलो कम नहीं होगा। इस जगह में 2 होम स्टे है, यहाँ से आप जा सकते हो ट्रेकिंग करने। उत्तल मोनेस्ट्री का जो हमने किया बहुत मजा आया, बहुत ही जबरदस्त व्यू था वहाँ का। फिलहाल अभी हम पद्दुम के लिए निकल रहे हैं, जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बस ब्रेकफास्ट लगने वाला है। इस जगह पे क्लाउडी वेदर है, कभी भी बारिश हो सकता है, हल्का हल्का हो भी रहा था। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज की राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की बारिश की बूंदों के साथ। सोचा था सुबह सुबह टाइम लैप्स लगाऊंगा सनराइज का, बट सनराइज हुआ ही नहीं। इस रास्ते से हम आए थे, अभी इधर जाना है। एक ये होम स्टे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आज तो राइड स्टार्ट करते ही एडवेंचर शुरू हो गया भाई। इतना खतरनाक डाउन हिल है ये, क्या ही कहना है इसके। अरे भाई ये क्या है, पूरा घुटने भर मिट्टी जमा हुआ है। चा विलेज को पार कर रहे हैं और सामने हमें दिख रहा है एक प्यारा सा नेटवर्क। धूल मिट्टी दिख रहा है। हेलो, और हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं पक्की सड़क। ये पक्की सड़क हमें भी मिल जाए यार, बहुत मजा आएगा। नहीं भाई नहीं, कहीं बहुत ज्यादा चढ़ाई मिलता है तो कहीं बहुत ज्यादा डाउनहिल मिलता है। अफिल और डाउनहिल का सिलसिला ही तो है पहाड़ों में। चढ़ जा चढ़ जा। अरे भाई 2 नंबर पे अटक गई। चल मेरा स्नो लेपर्ड, 1 नंबर पे तो चल ही जाना है। स्लिप कर रहा है। तो भैया जी बात ऐसा है कि इधर बहुत तेज बारिश हो रहा है। GoPro खोल दिए है। बोल रहा है बहुत तेज बारिश नहीं हो रहा है, चूतिया बना रहा है आप लोग को घर से कि थोड़ा सा में भींग जाएंगे। थोड़ा सा में भींग नहीं जाएंगे, पहाड़ों में पता नहीं चलता है, बारिश तो शुरू से ही हो रहा है। उधर देख, पहाड़ देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा। रोड ऐसे ही सेम है, बहुत खतरनाक रोड है। ऊपर देखिए कभी भी टूट के गिर जाएगा ऐसा दिख रहा है। बाकी जहाँ तक कहाँ से आगे जहाँ तक की कैमरा नहीं दिखाएगा, आइए भंड आर्मी में, वहाँ पूरा दिखेगा लाइव टेलीकास्ट। वहाँ आपको चूतिया बनाया जाएगा, वही बनाया जा रहा है। आप तो व्लॉग आके देखिए तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं फिर किसका व्लॉग में कितना बारिश दिखता है। ये हम पहुंच चुके हैं इचर विलेज और बारिश तो आज थमने का नाम ही नहीं ले रही। हल्का हल्का बारिश हो ही रहा है अभी भी। दो सौ 250 मीटर ट्रैक करने के बाद हम इस जगह पे पहुंचे हैं। मैत्री बुद्धा बोलते हैं इसे। अगर आप पद्म जा रहे हैं ना टीचर विलेज में, आपको थोड़ा सा चढ़ के आना पड़ेगा और उसके बाद ट्रैक करना पड़ेगा लगभग 250-300 मीटर। उसके बाद आप इस जगह पे पहुंचोगे जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पदुम पहुंच चुके थे दिन के लगभग 12:30 बजे। हाँ हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि बारिश हो रही थी। जहाँ मैंने कैमरा खोला ना वहाँ से बारिश तो तेजी हो गई। और अफील भाई साहब बहुत ही खतरनाक। और अभी मैं इस प्यारे से जगह में हूँ, क्या कर रहा हूँ उधर सामने में मेरा बाइक का कुछ काम हो रहा है क्योंकि कल जहाँ हम जा रहे हैं ना यहाँ नहीं, हम बहुत खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं। बात ऐसा है कि कल से मैं हो रहा हूँ सोलो, मैं जा रहा हूँ ले, वो भी एक बहुत ही खतरनाक रास्ते से। ये वही वो रूट है जिससे मुझे जाना है, लेकिन ये रूट नया है, 2 साल पहले इसका खोज हुआ था। बहुत ही खतरनाक है के बारे में जो मैंने सुना है ना, मतलब भाई साहब यहाँ मेरी लगने वाली है। ऊपर से मैं सोलो जांस्कार वैली होते हुए ये जाता है, मतलब जांस्कार वाला ही रोड है। और इतना खतरनाक कि कितने बाइक बह गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। इस रोड में मुझे मिलेगा सिंगेला पास जो कि 16,590 फीट में। तो ऑफ कोर्स बहुत मजा आने वाला है, लेकिन डर भी उतना ही ज्यादा है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल मिलते हैं, तब के लिए बाय।